हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। और आज की रीडिंग का हमारा सवाल है, क्या वो मेरे लिए बदलेंगे या क्या वो मेरे लिए बदल रहे हैं। यानी कोई भी ऐसा इंसान जिसके बारे में आप सोच रहे हैं, क्या वो आपके लिए बदल रहे हैं या क्या वो आपके लिए बदलेंगे। तो किसी भी एक इंसान के बारे में आप सोच सकते हैं जिनके बारे में आप जानना चाहते हैं, उनकी पास्ट एनर्जी आपके विषय में, पहले वो क्या सोचते थे, उनकी करंट एनर्जी यानी वो आपके लिए अभी क्या सोचते हैं, और उनकी फ्यूचर एनर्जी वो आपके लिए बाद में क्या कुछ डिफरेंट सोचना शुरू कर सकते हैं या बदलेंगे। तो पहले वो आपके लिए कैसे थे, इस वक्त वो आपके लिए कैसे हैं, क्या उसमें कोई चेंज आया है, और अगर अभी वो जैसा बिहेव कर रहे हैं क्या फ्यूचर में उसमें कोई चेंज आएगा उनके व्यवहार में, इस पर हम देखेंगे। तो हमारा 3 कार्ड रीडिंग होने वाली है, क्या वे मेरे लिए बदलेंगे। हो चैरियट इन रिवर्स कार्ड है हमारे पास में। मुझे ऐसा लगता है कि आप जिस व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं, ये व्यक्ति काफी आगे नहीं बढ़ते रिलेशनशिप को लेकर या आपको लेकर, कभी भी फर्स्ट मूव नहीं लेते थे आगे बढ़कर अपनी तरफ से कोई आपको ऑफर देना या अपनी तरफ से कोई प्रयास करना आपके प्रति, अपनी तरफ से आपकी तरफ आना, इस तरह का ये शायद पहले आपके लिए नहीं करते थे, आगे बिल्कुल नहीं बढ़ते थे, काफ़ी एडमेंट थे, काफ़ी रिजिड थे, जैसे अड़ियल घोड़ा होता है ना, इस तरह का ये व्यक्ति आपके प्रति रहा होगा। ये व्यक्ति काफ़ी नास्तिक हो सकता है, या ईश्वर में विश्वास नहीं रखूंगा या भगवान पर भरोसा करने से कोई मतलब नहीं होता, इस तरह का भी इस व्यक्ति का रवैया हो सकता था। पहला चलिए देखते हैं इस व्यक्ति का इस समय पर किस तरह का बिहेवियर। ये व्यक्ति काफ़ी एनर्जेटिकली डिस्टर्ब भी होगा ज़रूर से, और अपनी लाइफ में भी ये व्यक्ति बहुत अधिक सफल भी नहीं होगा। ये व्यक्ति अपनी पर्सनल लाइफ में भी काफ़ी लापरवाह तरह का, या फिर ये व्यक्ति काफ़ी फेलियर्स को बर्दाश्त इसने किया होगा अपनी लाइफ में, काफ़ी बार फेल हुआ होगा, या रिलेशनशिप में भी बहुत बार फेल हुआ होगा, और इसने प्रीवियस रिलेशनशिप से भी कोई लेसन नहीं लिए, और इसने कभी भी चीज़ों को आगे बढ़ाने के लिए कभी कोई प्रयास नहीं किया, और काफ़ी रिजिड इसका रवैया रहा होगा आपके प्रति भी, लाइफ के प्रति भी। इस तरह की इस व्यक्ति की पास्ट एनर्जी हो सकती है। देखते हैं कि इस व्यक्ति की इस समय में प्रेजेंटली आपके लिए क्या एनर्जीज है। ओ माय गॉड, वी हैव द मून कार्ड। ये कार्ड भी कल परसों भी रीडिंग में आया था। ये व्यक्ति, मुझे ऐसा लगता है कि ये व्यक्ति अब आपसे दूर है, अलग हो चुका है, या डिस्टेंस पर है, आप दोनों एक दूसरे के साथ अलग अलग हैं, और ये व्यक्ति आपसे कोई सीक्रेट छुपा रहा है। ये व्यक्ति किसी और रिलेशनशिप में हो सकता है, जिस रिलेशनशिप को ये आपसे छुपा रहा हो, कुछ तो ऐसा है जो सीक्रेट ये आपसे इस समय में रख रहा है। तो ये इंसान बदला है या नहीं बदला है, एक कागज़ एक कार्ड मुझे और चाहिए, कागज़ एक कार्ड मुझे और चाहिए प्रेजेंट एनर्जी पर। वाओ, क्वीन ऑफ वांड्स, ये इंसान आपके लिए बदला या नहीं बदला ये तो नहीं पता, लेकिन आप ज़रूर से बदल गए हैं, और ये इंसान ये ज़रूर जानता है कि आप इस समय में प्रेजेंटली आप बिल्कुल बदल गए हैं। आप काफ़ी सेल्फ पर आपने वर्क किया है, आप काफ़ी कॉन्फिडेंट हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि ये व्यक्ति अब आपको काफ़ी कॉन्फिडेंट लेडी की तरह देखता है, जो इसकी परवाह नहीं करती, जो अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुकी है, और शायद इस वजह से भी ये बहुत सारी चीज़ें आपके साथ शेयर नहीं करता, क्योंकि इसको ऐसा लगता है कि अब कोई ज़रूरत भी नहीं है आपके साथ शेयर करने की, क्योंकि आपको कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता कि आप उसको कुछ बता रहे हैं या नहीं बता रहे हैं, इस तरह का ये व्यक्ति आपके बारे में सोचता है। ये व्यक्ति आपके लिए इस वक्त बदला है। हर्मिट कार्ड, मुझे लगता है कि ये व्यक्ति पहले भी काफ़ी शांत और चुप रहता था, लेकिन अभी भी वो उसी तरह से रहता है। क्वीन ऑफ कप्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स, ये व्यक्ति पहले भी अपनी फीलिंग्स को आपके साथ शेयर नहीं करता था, अगर करता था तो बहुत कम शेयर करता था, अभी भी ये ऐसा ही है। टेन ऑफ कप्स इन रिवर्स, द लवर्स कार्ड एंड थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स इन रिवर्स। आई डू थिंक कि ये व्यक्ति ने जब आपके साथ लॉन्ग टर्म कमिटमेंट की बात आई होगी, तब इसने
चूज किया होगा आपको हार्ट ब्रेक करना, आपका हार्ट ब्रेक करके इस व्यक्ति ने आपके अलावा किसी और को चुना है, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के लिए आपको नहीं चुना है, और इस समय इस व्यक्ति को इस चीज़ का कहीं ना कहीं पछतावा है, इस चीज़ को दुख है कि इसने कहीं ना कहीं गलती कर दी है, ये पेन में है और ये बात आपसे छुपा रहा है। ओके, तो इस व्यक्ति ने आपके साथ में पहले भी जो चीज़ें की थी, जो पहले इसने चीज़ें आपके साथ की थी, उन चीज़ों का इसको कहीं ना कहीं पछतावा है, दुख है, और ये बात ही आपसे छुपा रहा है कि यू आर अ गुड पार्टनर फॉर हिम और हर, और अगर वो आपको चूज़ करता तो अभी इस पोजीशन में ना होता, उसका हार्ट ब्रेक ना हुआ होता। मे बी इस व्यक्ति का किसी और के साथ में हार्ट ब्रेक हुआ है या ब्रेकअप हुआ है और उसकी वजह से ये पेन में है, या फिर इसके घरेलू परिस्थितियाँ ठीक नहीं है उसकी वजह से ये परेशान है और ये बात ही आपसे इस समय पे छुपा रहा है कि ये व्यक्ति आपके लिए बदला है। ये व्यक्ति आपके लिए नहीं बदला है, लेकिन इस व्यक्ति के कारण आपने अपने आप को काफी हद तक बदल लिया। ये व्यक्ति आपको बहुत डिफरेंट तरीके, हाँ डेफिनेटली हम ये कह सकते हैं, ये व्यक्ति आपके लिए जैसा पहले सोचता था उससे बिल्कुल डिफरेंट बात अब ये आपके बारे में सोचता है। पहले आप इस पर डिपेंडेंट थे, लेकिन अब आप इस पर डिपेंडेंट नहीं हो, ये इस बात को जानता है। ठीक है, आप पहले इससे मे बी मैरिज करना चाहते हो, इनके साथ लॉन्ग टर्म कमिटमेंट चाहते हो, लेकिन अब आप नहीं चाहते, ये बात इस व्यक्ति को पता है। अब आप इस व्यक्ति के साथ कम्युनिकेशन में नहीं हो या नहीं कम्युनिकेट करना चाहते हो, ये इस व्यक्ति को पता है, और इसने आपको चूज ना करके जो गलती की है, जो पेन किया है, उस बात को ये आपके साथ शेयर नहीं करता है, उस बात को सीक्रेट रखता है, क्योंकि इसको पता है कि अब अगर ये आपकी तरफ आएगा तो या तो आप उसको घास नहीं डालोगे, या फिर आप उससे वन टू वन कन्फ्रंट करोगे, लड़ाई करोगे, और उसमें इस व्यक्ति का ईगो हर्ट हो जाएगा। इस व्यक्ति की रेस्पेक्ट का सवाल है, सेल्फ रेस्पेक्ट का सवाल है, और इसलिए ये सारी चीज़ें ये आपको एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, ये सारी बातें ये आपसे छुपा रहा है। पर क्या ये व्यक्ति बदला है? डेफिनेटली यस, ये बदला है। इसकी फीलिंग्स आपके प्रति डेफिनेटली बदली हैं। पहले ये आपको काफ़ी इग्नोर करता रहा होगा, ये आपको सीरियस सिंसियर नहीं समझता था, सीरियसली नहीं लेता था, लेकिन अब ये जानता है कि यू आर नॉट, आप उतने वैसे नहीं हो जैसा कि आपको समझता था, ये आपके बारे में काफ़ी गलत नोशंस रखता था, ये बात इसको पता चल चुकी है। अब हम देखते हैं कि फ्यूचर में इस व्यक्ति के किस तरह से बदलने की संभावनाएं हैं या नहीं है, क्या ये व्यक्ति फ्यूचर में बदलेगा या नहीं बदलेगा। एट ऑफ वॉन्ड्स आया है कार्ड हमारे पास में। ये व्यक्ति फ्यूचर में आपके साथ कम्युनिकेट करने की कोशिश कर सकता है, आपके साथ के गैप को ख़त्म करने की कोशिश करता है, आपकी दिशा में आ सकता है, आपसे बातचीत कर सकता है, आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर सकता है। अभी इस वक्त में वो इस परिस्थिति में नहीं है कि आपसे कांटेक्ट कर सके, लेकिन फ्यूचर में ये आपसे कांटेक्ट कर सकता है, और देखते हैं कि ये व्यक्ति किस तरीके से फ्यूचर में बदलेगा। द हाई प्रीस्टेस कार्ड अभी ये जिन चीज़ों को आपको नहीं रिवील कर रहा है, जो ये अभी आपके बारे में सोचता है, फ्यूचर में ये रिवील करेगा, ये कम्युनिकेट करेगा कि वो आपके बारे में क्या सोचता रहा पूरे उस समय पे जब वो आपके साथ अलग था या कम्युनिकेट नहीं कर रहा था, उस समय पे वो किस तरह से आपको देखता था, आपके बारे में क्या सोचता था, इन चीज़ों को वो आपको बताना चाहता है। वो बताना चाहता है कि आप उसने आपके अंदर जो चेंजेस नोटिस किए हैं वो उनके बारे में आपसे बात करना चाहेगा डेफिनेटली। ओके, वो आपको ये भी कम्युनिकेट करेगा फ्यूचर में कि वो उसने अपने आप को इसलिए रोक के रखा है, वो इतने समय तक इसलिए आपके पास में नहीं आया क्योंकि वो और झगड़ा नहीं करना चाहता था, वो ऑलरेडी आपको बहुत डिसअपॉइंट कर चुका था और वो आपको और डिसअपॉइंट नहीं करना चाहता था, यही वजह है कि उसने इतने समय आपसे बात नहीं की। वो एक्सप्लेनेशन देने के लिए आपके पास आएगा। सिक्स ऑफ कप्स एंड द टावर कार्ड, वो इस बात को भी आपको रिवील करेगा या बताएगा कि वो आपके साथ के ब्यूटीफुल रिलेशन को डिजर्व नहीं करता था, उसने खुद इस रिलेशन को ख़राब किया और ये बात का रिग्रेट उसको है, इस बात की गिल्ट उसको है, ये बात वो आपको बताएगा। एंड वी हैव टू ऑफ पेंटिकल्स कार्ड, मे बी अब से 2 साल बाद, ये आज नहीं होने वाला, लेकिन आने वाले 2 सालों में आपको ये चेंजेस इस व्यक्ति में देखने को मिल सकते हैं। ये व्यक्ति जो पहले आपसे दूर भागा करता था, ये व्यक्ति जो आपसे घोस्टिंग किया करता होगा या गायब हो जाता था आपकी लाइफ से या इनकंसिस्टेंट आपकी लाइफ में रहता था, इस वक्त पूरी तरीके से गायब है और
दूर से आपको देख रहा है, वॉच कर रहा है, आपके अंदर के चेंजेस को वॉच कर रहा है, और आने वाले समय में ये आपको कॉन्टैक्ट करेगा और आपको बताएगा कि ये अब आपके बारे में क्या सोचता है और कैसे इसने इन सब चीज़ों में अपनी इस रिलेशन को ख़राब करने में इसका क्या रोल था, ये उसको बताएगा। तो क्या ये व्यक्ति बदल रहा है? डेफिनेटली ये व्यक्ति बदला है। क्या ये व्यक्ति फ्यूचर में बदलेगा? डेफिनेटली ये व्यक्ति फ्यूचर में बदलेगा। लेकिन आपको क्या करना चाहिए? अगर ये बदल भी रहा है तो हम देखते हैं कि आपको क्या डिसीजन लेना चाहिए या आपको क्या करना चाहिए। सो वी हैव हायरोफेंट कार्ड। आपको बहुत ही समझदारी से विवेकपूर्ण निर्णय लेना चाहिए। आपको अपने स्पिरिचुअल डेवलपमेंट पर काम करना चाहिए। अगर आप अनमैरिड हैं तो मीनवाइल 2 सालों के बीच में अगर आपको कोई अच्छा व्यक्ति मिलता है, कमिटमेंट देने वाला अच्छा पार्टनर मिलता है, तो आपको शादी कर लेना चाहिए। अगर आप ऑलरेडी शादीशुदा है और ये व्यक्ति आपके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का पार्ट है, तो आपको इस व्यक्ति को छोड़कर अपनी मैरिज पर कॉन्सेंट्रेट आपको करना चाहिए। और आपको क्या करना चाहिए देखते हैं। एंड यस, अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का शिकार हैं या इस तरह के किसी व्यक्ति की वजह से आपकी ज़िंदगी में टर्मोइल आ चुका है, आप परेशान हो रहे हैं, तो आप हमारे वुमेन एम्पावरमेंट वर्कशॉप में आइए। वहाँ पर बहुत सारे ऐसे टूल्स एंड टेक्निक सिखाए जाएंगे कि आप इस तरह की नेगेटिव एनर्जी से अपने आप को फ्री कर पाएँ और एक हैप्पी फुलफिलिंग लाइफ जी पाएँ और एक अच्छे स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस के साथ अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ा पाएँ। लेट्स चेक आपको और क्या करना चाहिए। जब तक ये व्यक्ति कंटेम्पलेट कर रहा है, दूर से बैठकर देख रहा है, उसकी बात करने की हिम्मत नहीं है, आपको क्या करना चाहिए? ओके, बहुत सारे कार्ड गिर गए हैं, ये देखते हैं। वाओ, वी हैव एम्प्रेस कार्ड। यू डिजर्व मच बेटर देन दिस पर्सन। आपको अपने सेल्फ लव पे, सेल्फ केयर पे काम करना चाहिए। अपने करियर पर काम कीजिए, अपने अबंडेंस पर काम कीजिए, रेस्ट कीजिए, रिलैक्स कीजिए और अच्छी मैरिड लाइफ को आप इंजॉय कीजिए। बॉटम ऑफ द डेक वी हैव टू ऑफ वांड्स। अगर अभी भी आप इस व्यक्ति का डिसीजन का इंतजार कर रहे हैं, डिसीजन बनाने के बारे में इंतजार कर रहे हैं, आपको क्या करना चाहिए? आपको अपनी फैमिली लाइफ, अपनी मैरिड लाइफ, अपने करियर पाथ पर आगे आपको बढ़ने का डिसीजन ले लेना चाहिए। ऐसा आपके लिए कार्ड है 3 ऑफ वांड्स। अगेन वही बात है, डिसीजन मेकिंग का कार्ड है। वाइज प्लानिंग के साथ में वाइज डिसीजन लीजिए। एक अच्छी मैरिड लाइफ, एक अच्छा करियर और एक अच्छी पर्सनल लाइफ के लिए खुद को तैयार कीजिए और अच्छी लाइफ जीना शुरू कीजिए। जब तक ये व्यक्ति खुद को प्रिपेयर करता है वापस आके आपको सॉरी बोलने के लिए। तो ये थी रीडिंग, क्या वो आपके लिए बदलेंगे या बदल रहे हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। आई विल बी बैक सून। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, बाय। तो ये है माइंडफुल जर्नी का वुमेन एम्पावरमेंट 10 डेज वर्कशॉप। अगर आप एक हैप्पी स्ट्रेस फ्री लाइफ जीना चाहते हैं, हार्मोनियस रिलेशनशिप्स में रहना चाहते हैं और एक अबंडेंट माइंडसेट के साथ अपनी ज़िंदगी को पूरी तरह से इंजॉय करना चाहते हैं, तो हमारे एक्सपर्ट्स आपको सिखाएंगे कि कैसे स्ट्रेस और एंग्जाइटी से जीता जाए, कैसे रिलेशनशिप की प्रॉब्लम्स को हैंडल किया जाए, वर्क प्रेशर को हैंडल किया जाए और हमारे सबकॉन्शियस ब्लॉकेजेस, मनी ब्लॉकेजेस और हेल्थ इश्यूज से कैसे निपटा जाए। तो इस वर्कशॉप में होंगे वीडियो लेक्चर्स, मेडिटेशंस, अफर्मेशंस, इंटरैक्टिव टॉक्स, प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस, बहुत सारी फन एक्टिविटीज और इसके अलावा लाइव क्वेश्चन आंसर सेशन भी। तो ज्यादा देर मत कीजिए, ज्यादा मत सोचिए। अगर आप एक होलिस्टिक ग्रोथ चाहते हैं, अबंडेंट माइंडसेट चाहते हैं और एक स्ट्रेस फ्री लाइफ चाहते हैं, तो 10 दिन की इस वुमेन एम्पावरमेंट वर्कशॉप को जो कि अप्रैल में होने वाली है, ज्वाइन कीजिए और अपनी सीट का रजिस्ट्रेशन कीजिए आज ही। चले पथिक उस देश जहाँ पर सूरज सा उजाला, चले पथिक उस देश जहाँ पर सूरज सा उजाला, चांद सी शीतलता है हर पल जो फूलों की माला, एक दूजे का हाथ थाम कर आगे बढ़ते जाए, मधुर गीत के गुंजन के संज्ञान के दीप जलाए, भीतर की यात्रा कर ले तू थाम के हाथ हमारा, कठिन राह पर हम बनेंगे एक दूजे का सहारा, उजाले की पथिक
उस देश जहाँ पे सूरज सा उजाला, चल पथिक उस देश जहाँ पे सूरज सा उजाला। मिट जाता है सबके जीवन का अंधेरा काला, सतरंगी सपने हैं